तो गाइस जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए इसके अंदर जो है स्प्रिंग है, और जो ये स्प्रिंग है इन दोनों के सिरे पे जो है एक वो रखा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा ना बच्चे। हाय गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले यूएफओ बॉल जो इंडिया में पहली बार आई है, और इसको देखने के बाद आप बहुत खुश होने वाले हो, आपके बच्चे बहुत हैप्पी होने वाले हैं, तो उसका रिव्यू आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्न करो अर्न करो में। गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी की जाती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्पेशल आपके बच्चों के लिए एक रिव्यू करने वाले हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अगर आपके बच्चे घर पे खेलते हैं, पार्क में खेलते हैं, कहीं पे भी खेलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। इंडिया में पहली बार ये टॉय बॉल आई है, इसको देखने के बाद सच में यार मज़ा आने वाला है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। इसका नाम है दोस्तों यूएफओ बॉल। इसको जो है फंकी मंकी भी बोला जाता है, और आखिर फंकी मंकी इसको क्यों बोला जाता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। आप देख सकते हो लुकिंग इसकी कुछ इस तरीके की है, और इसको अब हम जो है अनबॉक्स करने वाले हैं। आखिर क्यों ये इतनी स्पेशल है कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, वो हम बहुत जल्द करके दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अनबॉक्सिंग इसकी हम कर देते हैं, तो चलिए इसकी पहले अनबॉक्स करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दिखने में कुछ ऐसी होती है ये बॉल, है ना, यूएफओ बॉल इसको बोला जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं जो है धागे से बंधी हुई है। आखिर ये धागे से इसको क्यों बांधा हुआ है, उसका एक रीजन है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बोला इसको फंकी मंकी भी बोला जाता है, और फंकी मंकी मंकी से आपको समझ में आया होगा जिस तरीके से मंकी गुलाटी मारते हैं, यानी कि बंदर जिस तरीके से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं वो हाथ नहीं आते, उसी तरीके से जैसे इसको हम ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे रस्सी को, तो ये बॉल भी हमारे कब्जे से बाहर हो जाएगी, इसलिए इसको बांध के रखा हुआ है। बहुत ही सॉलिड है दोस्तों, और जैसे कि अभी थोड़ा दिन का रोशनी का माहौल है इसलिए आपको ये नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। इसमें LED भी है, 3 इसमें LED लगी हुई है जो काफ़ी यूनिक है। रात को काफ़ी मज़ा आता है, जब शाम के समय इवनिंग में पार्क में खेलते हैं, अपने घर पे खेलते हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा जरूर, इसको ओपन कर देता हूँ पहले मैं, ओपन करके आखिर ये यूनिक क्यों है। काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपके बच्चे काफ़ी हैप्पी हो जाएंगे दोस्तों इसको देखकर, इसको लेकर, इसको खेलकर। और गाइज अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, इस UFO बॉल को आप परचेज करना चाहते हैं, तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप जो है इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको बॉल आपके घर पे मिल जाएगी। ये देखिए
यह है गाइज यूएफओ बॉल। और ये यूनिक क्यों है देखिए, 1 2 3 4 है ना, तो काफी मजा आने वाला है। इसको ऐसे करो और ऐसे थ्रो करो, थ्रो करने के बाद थोड़ी देर में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस इसको ऐसे करो, पुश ऐसे करना है और ऐसे थ्रो करना है। जैसे इसको हम थ्रो करेंगे तो कुछ सेकंड के बाद ये अपने आप ओपन होने वाली है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखा, तो 10 से 15 सेकंड के अंदर ये ऑटोमेटिक ओपन खुल जाती है। और इसको ऐसे पुश करते हैं, पुश करने के बाद इसको ऐसे मंकी की तरह फेंकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बीच में ये अपने आप खुल जाती है, जैसे कि अभी ओपन होने वाली है, खुलने वाली है कुछ ही देर के बाद। ये शाबाश है ना, तो काफी मजा आने वाला है, काफी यूनिक आइटम ये दोस्तों मेरे को लगा यूएफओ बॉल। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं आखिर खुलती कैसे है ना। तो गाइज जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए इसके अंदर जो है स्प्रिंग है, और जो ये स्प्रिंग है इन दोनों के सिरे पे जो है एक वो रखा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा ना बचपन जो बंदूक आती थी, जब हम उसको शूट करते थे तो किसी दरवाजे पे वो चिपक जाती थी, तो इन दोनों पे जो है एक तरफ वही लगी हुई है और दूसरी तरफ कुछ दरवाजे जैसी प्लेन चीज है जो आपस में ये टच होती है, चिपक जाती है। देखिए ये देखिए है ना, तो इसको हम करते तो ये चिपक जाती है और फिर वही होता है गाइज कुछ समय के बाद वो जो है छूट जाती है। जैसे हमने यहाँ पे रख दी तो 5-10 सेकंड के बाद वो दरवाजे से या फिर किसी प्लाई से हम चिपकाते थे तो वो हट जाती थी, और हटने के बाद स्प्रिंग की वजह से ये जो है बॉल ऊपर उठती है। ये देखिए ऐसे अभी खुलने वाली। इस बार थोड़ा टाइट पुश किया है मैंने, इसलिए ज़्यादा देर तक चिपकी रहेगी और ये खुलने वाली है। 1 2 3 है ना, तो यूनिक काफ़ी प्रोडक्ट है। और अगर आप परचेजिंग करना चाहते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए कुछ और चीज़ें मैं इसके साथ दिखाता हूँ, जैसे थ्रो करता हूँ, थ्रो करके कैसे मज़ा आने वाला है ना गाइज। तो चलिए देखते हैं, आपने अपना कीमती समय हम लोगों के बीच दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप परचेज करना चाहते तो आप ये ऑर्डर लगा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कुछ और यूनिक प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।